स्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों का प्रशिक्षण दूसरे दिन भी योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह तथा एनेक्सी भवन के सभागार में 3 शिफ्टों में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि कार्मिक 15 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन चुनाव को संपन्न कराने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में मतदान सामग्री का उपयोग करने का तरीके को भी बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण लेने के बाद कार्मिक 14 अप्रैल को आवंटित ब्लॉक पर पहुंचकर रिपोर्ट करेंगे तथा मतदान पेटी को लेकर 15 अप्रैल को अपने बूथ पर पहुंचकर चुनाव संपन्न कराएंगे। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण 12 अप्रैल तक 3 शिफ्टों में प्रेक्षागृह तथा एनेक्सी भवन में चलेगा, जिसमें प्रतिदिन 3000 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 28,000 कार्मिकों का प्रशिक्षण होना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, आ जाएगा तो वो फिगर आप भर करके ये सब चीज मत पेटी के साथ दो चीज अनिवार्य रूप से बदलना है। 15/4/2021 को मतदान पूर्णतया सतत मतदान की प्रक्रिया चलती रहे, जो सुचारू ढंग से शांतिपूर्वक संपन्न करा दी गई किताब में दिया है। आप लोग घर जाए बहुत शांत कूल काम होकर उस किताब को पढ़ेंगे। 1245 कौन है? 1227 ग्रीन पास आपके पीछे बाहर हो जाए, नहीं सब लोग बच्चे को ध्यान जाएगा। हम लोग इस हिसाब से बातें करेंगे कि आपके अंदर कोई शंका ना रह जाए,
सवाल ये है कि जो मतदान दल का गठन हुआ है तो उसी आधार पर हम बैठे हैं अपने टेबल पर। पहला है पीठासीन अधिकारी, अधिकारी तो सभी हैं, तो बहुत कठिन है, हिम्मत है तो एकदम सरल है, इससे कठिन कठिन काम तो आप अपने विभाग में कर ही रहे हैं, तो बहुत सरल काम है, बस थोड़ा समझ लीजिए। इतने पीठासीन अधिकारी हैं, अधिकारी तो चारों लोग हैं यार, चुनाव आयोग सबको अधिकारी बनाता है, और पीठासीन अधिकारी के बाद तो पूरा मजिस्ट्रेट का पावर है, वो दिन तो अपने बूथ के लिए और जाए जिसको चाहे जिसको गिरफ्तार करा सकता है, लेकिन प्रयोग मत करिएगा पते हैं, क्योंकि वोटिंग के समय उस पर निशान लगाया जाता है, शुरू में तो सादा मिलता है आपको, मतलब उस पर कोई निशान नहीं होता है, लेकिन जैसे ही प्रातः 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाती है तो उस पर 2 तरह के निशान लगाने पड़ते हैं। अगर पुरुष आ गया मतदाता तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, पेंसिल आपको मिलती है उससे अंडरलाइन करेंगे, और अगर महिला है तो अंडरलाइन के साथ साथ उसके सामने सही का निशान टिक लगाएंगे। ऐसा क्यों इसीलिए किया जाता है कि बाद में काउंटिंग में आसानी रहे। और मतदाता ज्योति जितने लोग हैं विशेष रूप से सतर्क रहिए, और अधिकांश पार्टी में महिलाएं ही मतदाता ज्योति हैं, कुछ जो दुर्भाग्यशाली पार्टी है उसमें महिलाएं नहीं है, महिला जैसे आप में है कोई नहीं है मतदान अधिकार, मतदान का ज्योति चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सबसे ज्यादा काम आपके पास है, क्योंकि मतपत्र और एरोक्रास के प्रभारी आप हैं, आगे बताएंगे। जितने मतपत्र हैं, क्योंकि मतपत्र कई तरह के मिलेंगे, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ये मिनिमम 3 तो ये पक्का है, प्लस ग्राम पंचायत के 4, 5, 6, 7, 8 इतने मतपत्र ग्राम पंचायत सदस्य के हो सकते हैं, 8 भी हो सकता है, क्योंकि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव है सब जगह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लिखा है, तो त्रिस्तरीय मतलब जो ग्राम पंचायत के पंचायती राज व्यवस्था 1993 में पूरे देश में लागू हुआ था उसमें ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत जिसे ब्लॉक कहा जाता है उसको क्षेत्र पंचायत शुद्ध हिंदी उसका जो है समय क्षेत्र पंचायत कहा जाता है, वहां पर क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे BDC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वही BDC जो जीतते हैं वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, तो BDC का चुनाव हो रहा है, और जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य हैं वो जीतते हैं वही जाके जिला पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं। ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण चुनाव है, तो ग्राम पंचायत सदस्य जो है 9 से लेकर 15 तक होते हैं, अगर छोटा ग्राम पंचायत है तो वहां पर 9 होंगे सदस्य, उससे थोड़ा बड़ा है तो 11, उससे बड़ा है 13, और सबसे ज्यादा बड़ा है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होता है, तो 15 तक ग्राम पंचायत सदस्य एक ग्राम पंचायत में हो सकते हैं। अगर किसी ग्राम पंचायत में आपकी ड्यूटी लगी है और बड़ा गांव है तो 800 वोटर पर एक ग्राम एक बूथ निर्धारण हुआ है, और बाई चांस अगर आपके ग्राम पंचायत में 2 बूथ हैं और 15 ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है तो 1 बूथ पर 7 होंगे 1 बूथ पर 8, तो अगर 8 वाले बूथ पर आप हैं तो 8 मतपत्र वही मिलेगा ग्राम पंचायत सदस्य वाले, और प्रधान का 1, 9 हो गया, और क्षेत्र पंचायत का अगर 2 वार्ड लगे हैं तो 2 हो गए 11 हो गए, और जिला पंचायत का भी अगर 2 है रियल केस में ऐसा होगा जनरली नहीं है, तो समझ लीजिए इतने मतपत्र आपको हैंडल करना है, कौन पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी ड्यूटी। मैं मनोज कुमार गुप्ता मुख्य प्रशिक्षक त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन जनपद गोरखपुर। ये जितने भी मतदान कार्मिक की ड्यूटी लगाई गई है उनकी 15 अप्रैल को जो हमारे प्रथम चरण में निर्वाचन संपन्न कराए जाने हैं उसके संबंध में कंप्लीट ट्रेनिंग इनको दी जा रही है, मतदान पूरी मतदान की प्रक्रिया को समझाया जा रहा है,
उस मतदान के दिन कौन कौन सामग्री इनको इस्तेमाल करना होगा, कैसे कैसे इस्तेमाल करना होगा, उस सब पे विस्तृत ट्रेनिंग यहाँ पर चलाई जा रही है। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के उपरांत 14 तारीख को पार्टी रवाना हो जाएगी अपने अपने ब्लॉक मुख्यालयों से, और वहाँ पर जा करके अपने अपने बूथों पर संबंधित निर्वाचन को कराएंगे। सर कितने तारीख तक चलेगा ये ट्रेनिंग? 11 या 12 अप्रैल 2021 तक चलेगी। प्रतिदिन 3 शिफ्ट में ट्रेनिंग दी जा रही है कार्मिकों की। यहाँ योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में 250 पोलिंग पार्टियों की एक साथ एक शिफ्ट में ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्रकार कुल प्रतिदिन लगभग 3,000 कार्मिकों को का प्रशिक्षण यहाँ सुनिश्चित कराया जा रहा है, और ये प्रशिक्षण का सत्र 12 अप्रैल 2021 तक चलेगा। लगभग 29-30 हज़ार हमें कार्मिकों की ज़रूरत पड़ रही है, और सबकी ट्रेनिंग विधिवत कराई जा रही है। इसके अलावा हमारे तमाम जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट और आरओ की ड्यूटी पहले ही लगाई जा चुकी है। वो लोग अपने अपने विकासखंड मुख्यालयों पर जाकर के नामांकन से लेकर के प्रत्याशी की घोषणा इत्यादि तक का कार्यवाही आज संपन्न हो जाएगा।